क्या बोला? क्या बोला रे? पहले तूने गाली दिया, ठीक है? तो भाई नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग मस्त होंगे। गाइस सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा, ये पूरी क्लिप देख लीजिएगा कि आखिर इस क्लिप में चल क्या रहा, ठीक है? चैन लग रहा हूँ तुमने, मैं आवाज ऊंची नहीं कर रहा हूँ। हाँ ज़्यादा बोक मत, चुप करवानी भी आवे फिर हम ज़्यादा बोक मत। अबे चुप है, अरे चुप, चल निकल। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला रे? पहले तूने गाली दिया, ठीक है? तू निकल यहाँ से। क्या बोला इसने? एक मिनट रुको। साई नहीं, साई नहीं। क्या बोला? साई नहीं। इधर आओ। गाली वाली क्यों दे रहे हैं? इधर आओ। गाली दी उसने, उसने गाली दिया पहले। क्या बोला तो? बस गाली किसने दी? अबे ते नरा तू। बस चलन लगा देर बंद देखिए जिसमें आपको पूरी तरीके से शाही केतन राव लवकेश कटारिया के ऊपर हैवी दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि वो एकदम फुल लड़ने की मूड में आ गया भाई, एकदम चढ़ गया। मतलब अगर भाई वहां पे रोके ना तो कसम से मैं बता रहा हूँ भाई, बैंचर ये वहां पे मारपीट कर दे। अबे ये नहीं समझ में आ रहा, सालो कुत्तो तुम वहां बिग बॉस के अंदर गेम खेलने गए हो या वहां फाइट करने गए हो? अबे साले कोई वहां पे रूल ब्रेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या मतलब है यार भाई? आखिरकार हुआ क्या था भाई कि बिग बॉस के घर के अंदर राशन खत्म हो चुका था, ठीक है? और बिग बॉस ने वहां पर दो कंडीशन लग दी थी। बिग बॉस ने बोला था अरमान मलिक को मैं घर का कैप्टन बनाऊंगा और अरमान मलिक के हिसाब से सभी लोग घर में काम करेंगे और उसके हिसाब से सभी लोग खाना खाएंगे पिएंगे तो ही घर में राशन आएगा। अगर अरमान मलिक को कैप्टन नहीं बनाया तो आप लोग अपनी दूसरी राय दीजिएगा या फिर खाना यानी कि राशन पूरे हफ्ते का नहीं आएगा। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था कि उसी के बीच में लोकेश कटारिया नहीं चाहता था कि यहाँ पर अरमान मलिक घर का कैप्टन बने। हालांकि अभी की बात का जो सीन निकल के आया है उसमें पता चल रहा है कि 4 से 5 लोग, अदनान शेख भी नीचे आ रहा है, नेजी भी नीचे आ रहा है, सना मकबूल भी नीचे आ रही है, विशाल पांडे भी नीचे आ रहा है कि अरमान मलिक बने, लेकिन वहां पर कोई नहीं बोला था। वहां पर बोलने वाला एकलौता इंसान सिर्फ था, वो लोकेश कटारिया था। और लोकेश कटारिया की बहस हो गई आपके साई केतन राव के साथ में, उसके बदले में क्या हुआ कि थोड़ी तू मैं हुई, उसके बाद में साई केतन राव ने छोटी कोई गाली दी, ठीक है? कोई गाली दी, बदले में जो है लोकेश कटारिया ने थोड़ी बड़ी गाली दे दी और रिपीट करके यहाँ पर साई केतन राव ने गाली दी। उसके बाद जब कटारिया ने फिर से कोई गाली दे दी तो भाई एकदम से उठ के दौड़ के आ गया, उसके बाद भाई पूरा फाइट करने के मूड से आ गया जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो के अंदर अभी, ठीक है? तो भाई देखो एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि साई केतन राव का खुद का कोई मुद्दा है नहीं, ठीक है? वो सिर्फ ये सोच रहा था आज बिजनेस से मुझे, क्योंकि उसने ये देखा है कि भी लास्ट वीक जो चंद्रिका जी का इलेक्शन हुआ है उनका किस लिए हुआ, क्योंकि चंद्रिका जी का कोई खुद का रोल नहीं था, ठीक है? इसीलिए उनका इलेक्शन भी हो गया। साई केतन राव को भी इस चीज का डर था कि कहीं ना कहीं मेरा भी इलेक्शन हो जाए, अब उसने ये फाइट का केस कर दिया है, अब भाई वो भी थोड़ा चर्चा में आ गया, ठीक है? तो थोड़ा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती रहेगी। तो भाई देखो फाइनल वो टाइम आ चुका है कि लड़ाई भिड़ाई मार तोड़ तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भाई नियम होना चाहिए यार, गाली अगर सुन नहीं सकते हो गाली दे क्यों रहे हो, ठीक है? बात मतलब यहाँ पे ये आ रही है। तो भाई इसी तरीके से जैसे जैसे करके दोनों को शांत किया गया। हालांकि अगर ये मैटर कहीं बाहर हुआ होता बिग बॉस के घर से तो शायद जरा कुछ और ही होता, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर शांत प्ले कर रहे हैं, कुछ लोग बिग बॉस के रूल को ब्रेक कर रहे हैं, कुछ लोग माइंड पे कंट्रोल ही नहीं रख पा रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है? तो बस ये चीजें चल रही है भाई। तो कुल मिलाकर जो झगड़ा हुआ वो घर पे कैप्टन को लेकर के हुआ है, जिसके चीज के बारे में मैंने आपको पूरी बता दिया कैसे क्या हुआ है। लेकिन आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को बिग बॉस की सारी अपडेट की वीडियो सबसे पहले मिलती रहेगी मेरे चैनल के ऊपर। मैं सभी लोग आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिग बॉस की सारी अगली आने वाली वीडियो को पाने के लिए नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं।